वेलकम टू अपर्णाज रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं मोतीचूर के लड्डू। आप सोच रहे होंगे मोतीचूर के लड्डू, वो भी घर में? जी हाँ, आज हम आपके लिए जो मोतीचूर के लड्डू लेके आए हैं उसमें ना हमें बेसन की ज़रूरत है, ना ही झारे की, ना ही बूंदी बनाने की। और आज हम जो तरीका बताने जा रहे हैं आपको मोतीचूर के लड्डू का, बहुत ईजी है, उसे कोई भी बना सकता है। और वो ऐसे बनेंगे मुँह में जाते ही खुलने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं मोतीचूर के लड्डू, वो भी हलवा स्टाइल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मोतीचूर के लड्डू, और वो भी बहुत इजी तरीके से। इसके लिए हमने लिया है, ये हमने इस कटोरी का मेजरमेंट लिया है। इस कटोरी से हमने एक कटोरी चने की दाल ली है, जिसे कि हमने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दी थी। और ये दाल हमारी फूल के तैयार हो गई है, और हम इसे मिक्सी में डाल करके पीसेंगे। और हमें इसका दरदरा सा पेस्ट बनाना है, बहुत ही फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, जैसे कि बारीक बूंदी होती है उस तरह से हमें इसका दरदरा सा पेस्ट बनाना है। और साथ ही हमें इसे लगातार नहीं चलाना है मिक्सी को, हमें मिक्सी को बीच बीच में पॉज देते हुए चलाना है, ताकि इसका हमें दरदरा सा पेस्ट मिल जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पीसते हैं। ये देखिए, मिक्सी में हमने दाल पीस ली है, देखिए बहुत अच्छे से पीस गई है। बिल्कुल हमें ऐसे पीसना है। अगर आपको लगता है कि आपकी दाल नहीं पीस रही, तो आप उसमें बिल्कुल आधा चम्मच पानी डाल सकती हैं, ताकि वो अच्छे से पीस जाए। ये काफ़ी अच्छा पेस्ट बन गया हमारा। बची दाल है उसे भी पीस लेते हैं। ये हमारी सारी दाल पीस के तैयार हो गई है, देखिए बहुत अच्छे से पीस गई है। आप कोशिश करिए कि इसे मिक्स जो चटनी पॉट होता है उसमें पीसिए, ताकि दाल बहुत अच्छे से पीस जाए। ये हमारी दाल पीस के तैयार हो गई है। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए हमने दाल को दरदरा सा पीस लिया है, और हमने एक कढ़ाई में घी गर्म करने रखा है। चाहे तो आप घी के बदले ऑयल भी ले सकते हैं। हमारा जो घी है ये गर्म हो चुका है। अब जो हमने जो दाल को पीसा था उसकी हम ऐसी छोटी छोटी सी टिक्की बना करके तल लेंगे। आप कैसे भी साइज की, कैसे भी आकार की बना सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी सी टिक्की बना के हम उसको तल लेंगे। हमारी जो टिक्की है ये देखिए तल चुकी है, और इसे हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे सिर्फ गोल्डन करना है। बस ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए, बस हमें उसे इतना ही तलना है। ये देखिए हमारी जो टिक्कियाँ हैं ये एकदम गोल्डन सी हो गई है। आप शुरू में गैस को तेज रखिए, और फिर बाद में थोड़ा मीडियम कर दीजिए। ये हमारी टिक्की तल के तैयार है। इस तरीके से हम अपनी सारी टिक्कियाँ तल के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सारी टिक्कियों को तल के तैयार कर लिया है। देखिए सारी टिक्की हमने गोल्डन तल लिया है, और ये अंदर से इतनी अच्छी तरीके से पक चुकी है कि एक एक दाना उसका पक चुका है। देखिए ये बहुत अच्छी सी अंदर से भी पक चुकी है। और ये लड्डू बनाना इतना ईजी है कि इसमें बिगड़ने का तो कोई झंझट ही नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें बूंदी नहीं बनानी है, फिर उसमें चाशनी का भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। तो इस तरह से आप बना के देखिए, आपके जो मोतीचूर के लड्डू है बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे। तो ये हमारे जो ये है टिक्कियाँ हैं ये हो गई है। अब हम एक मिक्सी का पॉट लेंगे, और थोड़ी थोड़ी जो टिक्कियाँ हैं उनको ऐसा ऐसा हल्का सा तोड़ लेंगे, ताकि वो मिक्सी में अच्छे से पीस जाए। एक पॉट लेंगे, और पॉट में हम डाल देंगे ये टिक्कियों के टुकड़े, और इसे हमें बिल्कुल हल्का सा एक राउंड पर चलाना है। बहुत ज़्यादा उसे बारीक नहीं करना है, हमें उसे इतना ही पीसना है। और उसे जब हम मिक्सी चलाएंगे तो हमें उसे पॉज देते हुए चलाना है, एकदम लगातार नहीं चलाना है। तो बस इसको हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में पीस लेंगे, एकदम दरदरा सा, जैसे बारीक बूंदी हो। जब तक हम इन टिक्कियों को पीसते हैं, तब तक सबसे पहले हम लेंगे एक पैन या कढ़ाई लीजिए, और अब हम इसकी बना लेते हैं चाशनी। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे या कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे हम एक बाउल शक्कर, और उसमें हम डालेंगे आधा बाउल पानी।
हाफ बाउल हम इसमें डाल देंगे पानी, और हमें इसकी बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, चाशनी हमें बिल्कुल एक तार की बनानी है। अब हम गैस को कर देंगे एकदम कम पे, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर, और साथ ही हम डालेंगे एकदम हम पिंच डालेंगे सॉल्ट, क्योंकि जो भी अगर हम कुछ मीठी चीज़ बनाते हैं उसमें अगर हल्का सा अगर एक चुटकी अगर हम नमक डाल दें तो मीठे का स्वाद दुगना हो जाता है। और साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा, दो तीन ड्रॉप हम इसमें डालेंगे रोज़ एसेंस, ये ऑप्शनल है। और साथ ही मोतीचूर के लड्डू हैं तो कलर भी बहुत अच्छा आना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा डाल देंगे फूड कलर, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम गैस को कर देंगे बंद, और जो हमारा टिक्की है इसे हमने देखिए बहुत अच्छे तरीके से मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है, मैंने इसे छाना नहीं है क्योंकि काफ़ी अच्छा दरदरा सा पीस गया है। अब जो हमारा ये है मिक्सचर है, इसको हम इस चाशनी में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और डाल देंगे थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट्स। अभी आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि इसमें चाशनी शायद ज़्यादा हो गई है, काफ़ी गीला सा लग रहा है, लेकिन ये गीला नहीं होगा क्योंकि इसका जो ये है मिक्सचर है ये पूरा चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, देखिए अभी काफ़ी गीला गीला सा लग रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद ये पूरी चाशनी इसको सोक कर लेगी और एकदम ड्राई सा हो जाएगा। तो अब हम इसे अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, और बीच बीच में उसमें चम्मच चलाते रहेंगे, उसे एक मिक्स करते रहेंगे। तो अब देख लेते हैं कि हमारा मिक्सचर कैसे हुआ है। 10 मिनट हो चुके हैं हमारे मिक्सचर को चाशनी में डूबे हुए, देखिए इसका जो चाशनी है थोड़ा सा इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, और जो हमारा मिक्सचर है ये फूल चुका है, देखिए थोड़ा ड्राई हो गया है और ये फूल भी चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच घी, घी का जो टेस्ट आएगा उसमें बहुत उभर करके आएगा, तो उसमें डाल देते हैं हम एक चम्मच घी, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए काफ़ी ड्राई हो चुका है ये, और हम इसे फिर से 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि आपका जो मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला थोड़ा सा गीला गीला सा लग रहा है, उसके लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप इसे फिर से 2 मिनट गैस में रख करके फिर से इसे सुखा सकती हैं। फिर से ढक देते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए फिर से रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो मोतीचूर के लड्डू का जो मिक्सचर था उसने 20 से 25 मिनट तक रेस्ट कर लिया है, अब देखते हैं कि वो कैसा हो गया। देखिए एकदम ड्राई हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट और मोती चूर के लड्डू बनने के लिए एकदम तैयार। ये एकदम ड्राई हो चुका है और फूल के दुगुना हो गया है। तो अब हम बनाते हैं इसके लड्डू, और फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप इसे जो इसकी टिक्की थी टिक्की को तलते तो उसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मत करिएगा, और उसे बहुत ही धीमी आँच पर मत तलिएगा, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा ड्राई होते जाएगा। बस थोड़ा सा लेंगे हाथ में मिक्सचर और दबा के उसका गोल गोल से लड्डू बना लेंगे। देखिए कितना अच्छे बन गए हैं।
देखिए मोतीचूर के हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हैं। अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। एक कटोरी दाल में देखिए इतने सारे लड्डू बन के आ रहे हैं। दाल में देखिए इतने सारे। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारे मोतीचूर के लड्डू, और वो भी बहुत इजी तरीके से आपके लिए तो मैंने बना दिया है। अब आपकी बारी है मुझे बताने की कि आपके लड्डू कैसे बने, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके लड्डू कैसे बने। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी तरीके से बनने वाले मोतीचूर के लड्डू। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगली नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए खिलाते रहिए। अगली